हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन मारवाल एंड आई क्रैक्ड एस बी ए पी ओ एंड एस बी ए क्लर्क बोथ दिस ईयर। सो आज हम बात करने वाले हैं जो एस बी ए क्लर्कशिप पी ओ में मेरा जो रिजाइन का प्रोसेस था और सैलरी के बारे में कि क्या सैलरी रहती है, तो सैलरी कट होती है नहीं होती, तो ये सब कुछ प्रोसेस बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके साथ भी आगे ही हो सकता है, तो आपको ये प्रोसेस देख के चलना है और याद रखना है क्या करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा रिजल्ट आया था एस बी ए पी ओ का, वो 15 मार्च को आया था, ठीक है, इवनिंग में। और उसके नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में जो मैनेजर सर है उनको जाके इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने पहले तो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और थोड़ी प्यार से बातें की कि अच्छा हुआ आपको अपना स्टेट मिल गया। और इसके बाद उन्होंने ना थोड़ा मार्क्स वगैरह पूछे मेरे और क्या मार्क्स आए, तो इंटरव्यू के मार्क्स देख के वो भी शॉक थे कि ये क्या इतने मार्क्स कैसे। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि जो है रिजाइन का प्रोसेस वो आप पूछ लेना क्या करना है और मेरे को बता देना मेरे को क्या करना है। तो जो एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है तो वो है 16 को मैंने बताया था, ठीक है। फिर 17 को उन्होंने 16 को प्रोसेस पूछा था और 17 को आगे से उन्होंने मेल करके आगे से पूछा था कि क्या टोटल प्रोसेस रहेगा। फिर 18 की छुट्टी थी, 19 को मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया था और उन्होंने एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल के, और एक प्रिंट तो उन्होंने फिजिकली पहुंचाया था आरबीओ में, और जो हमारा आरबीओ था, ठीक है। और एक जो प्रिंट था वो उन्होंने जो मतलब उसको स्कैन किया था और उसको मेल किया था आगे आरबीओ में, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी भी हो गई और जो है हार्ड कॉपी भी उन्होंने पहुँचा दी वहाँ। तो ये 19 को किया था मैंने। और आप भी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका भी आपके साथ भी ये होता है तो आपको 14 डेज़ का पहले या तो नोटिस देना होता है या फिर आपको अपनी, वैसे तो एसबीआई टू एसबीआई में सैलरी कटती नहीं है, तो आप 14 डेज़ का लेकिन नोटिस पहले देने होता है, ठीक है। तो मैंने पहले नोटिस दिया था और लगभग मैंने 19 को दिया था, लेकिन मेरा रिलीव जो है मैंने पहले करा लिया था। और एसबीआई टू एसबीआई में सैलरी नहीं कटती है, मेरे को पहले बोला गया था सैलरी कटेगी, लेकिन जो सैलरी कटने का प्रोसेस है वो एसबीआई टू या अदर बैंक में जाते हैं ना अपने बैंक को छोड़ के, तो सैलरी कटने का होता है और वो 14 डेज़ की कटती है, ठीक है। तो मैंने पहले वीडियो में बोला था एक बार सैलरी स्लिप की जो मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरी सैलरी कटेगी, इसलिए मेरे पास मैसेज नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा क्या एच आर एम एस एक जो है पोर्टल होता है एसबीआई का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका HRMS का पोर्टल होता है, तो वो मेरा पोर्टल जो है उस पर लॉगिन नहीं हो रहा था और उसकी वजह से मेरा मैसेज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये था। अब इसके बाद बात करते हैं कि आगे प्रोसेस क्या रहा। तो जब मेरा रिजाइन का प्रोसेस रहा था तो मैंने एप्लीकेशन में जो लिखा था उसमें 29th of March का डाला था कि तब मेरे को रिजाइन चाहिए। तो और उन्होंने सैलरी का पूछा था, तो 14 डेज़ की मैंने सैलरी लिखी थी कि सैलरी काट लेना, लेकिन जब उन्होंने आगे पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए जब आगे सीनियर्स से या जो ऑफिशियल थे उनसे पूछ के बताया तो वो सैलरी नहीं कट रही थी। और मेरे को 28th को इवनिंग को उन्होंने रिलीव कर दिया था, मेरे साथ जो भी और भी थे मेरे एरिया में उसमें उनको सबको रिलीव कर दिया था, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब वहाँ से आपको क्या NOC मिलनी होती है, और जो इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्शन हुआ था SBAPO में उसमें जो DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें जो है वो चेक कराना होता है NOC। लेकिन NOC चेक कराने के लिए मतलब या तो NOC ले आओ आप या फिर रिजाइन का कोई लेटर ले आओ। तो मेरे को रिजाइन का लेटर दिया था, उस पर ब्रांच मैनेजर का सिग्नेचर हो सकते हैं, मेरे नहीं थे लेकिन उसमें ब्रांच मैनेजर की सील थी, तो जिसे स्टैम्प बोलते हैं, तो वो स्टैम्प लगा के उन्होंने दिया था। एक 3 पेज का एक वो था रिजाइन लेटर, उस पर स्टैम्प लगा के दिया था। तो वो जो है अलाउ करते हैं ये आगे जो SBAPO में ज्वाइनिंग के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक जो है विदाई के रूप में मेरे को नारियल दिया था, एक नारियल जो है वो मतलब वाइट कपड़े में लपेट के देते हैं, तो मेरे को दिया था। हर मतलब हर ब्रांच में नहीं मिलता, किसी में आपको पार्टी देते हैं, किसी में आपको, वो ब्रांच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे को एक नारियल दिया था और उसमें तो मेरे दोस्त जो थे उनको किसी को पार्टी दी थी, तो मेरे नसीब में नहीं थी वो चीज़ें, लेकिन कोई नहीं। और उन्होंने ये प्रोसेस था, आगे जो प्रोसेस होता है वो HR मैनेजर का होता है, उनके साइन होते हैं, उसके अलावा एक जो है AGM के साइन होते हैं या फिर GM के साइन होंगे, तो वो साइन अलाउ होते हैं। इसके अलावा एक HR के साइन होते हैं और उनके जो स्टैम्प वगैरह लगते हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा
जो अब SBI PO की ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो 18 से स्टार्ट बता रहे हैं, मेल में जो आया है वो 18 अप्रैल आई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था उनको, उनके लिए ये है, वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।